गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। आई एम वसीम, योर SST टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। एज यू नो, आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर, ओके, एंड आई टोल्ड यू मेनी थिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई टोल्ड यू अबाउट द बायोटिक एंड अबायोटिक and many other thing, right? And yesterday I explained about the biosphere, fine, and I gave you some question answer to write in your notebook, okay? Have you started to write or not? And now we are going to explain about ecosystem. Kya hai? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, all link by transfer of energy and material. Ecosystem जो बनता है उसमें interaction living organism होता है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम लोग मिलते हैं, animal मिलते हैं हमसे, plants भी हमसे सांस लेते हैं, हम तो ऑक्सीजन हमें मिलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वो प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट? तो इसमें इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट का, चाहे वो केमिकल फैक्टर हो या फिजिकल फैक्टर हो, फाइन, इस तरीके से ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम होता क्या है। एट एन NCC, ओके, सीधा पेज नंबर 4, एट एन NCC नेशनल कैडेट कोर कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जैसे एक्सक्लेम, वॉट अ हैवी डाउनफॉल। सो ये NCC कैंप था, रवि का क्लास जो था इसको अटेंड कर रहा था पूरा, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। तो यहाँ पर उसको याद आ जाता है जैसे को कि हमारे यहाँ केरला में बारिश होती रहती है और पूरा जो मैदान है सब चीज़ें बिल्कुल हरी भरी हो जाती हैं, फाइन। सो हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सलेम, ये जैसलमेर से थी हीरा। वी गेट नो रेन्स, इन्होंने कह दिया हमें तो हमारी तो बारिश ही नहीं होती, वी सी ओनली कि कार एंड सन, एज फार एज द आईज कैन सी बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपस में बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इनका क्लास था तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। अब इसके जो बात पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 5 पर, देखिएगा, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, केवल कैमल्स ही नहीं, इफ़ यू विजिट आर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो ये आपस में बातें करने लगे कि आप कैमल्स नहीं, इसके अलावा और भी जो क्रिएचर्स हैं वो देख सकते हैं, स्नैक्स है, लिजर्ड है, स्नैक्स जो सांप को बोलते हैं, लिजर्ड छिपकली, और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भी देख सकते हैं। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू विलेज। तो यहाँ पर रवि भी थोड़ा सा चौंक गए कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि हर जगह अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स होते हैं, राइट? अगर प्लांटेशन अलग है वहाँ पर अलग होगा, डेजर्ट में आपने देखा होगा जो थोड़नी बुशेज होंगे, इट मीन्स कांटों वाले होंगे, राइट? रेगिस्तान का एरिया तो वहाँ पे होगा, वहाँ पे पानी के कैक्टस होगा, इस टाइप के प्लांट्स भी वहाँ पाए जाते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारे क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई, टीचर ने भी आंसर दिया, हाँ बिल्कुल रिलेटेड हैं। सो हम देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, राइट? अब देखिए नाउ, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दर इंटरमीडिएट सराउंडिंग, फाइन। सो यहाँ पर जो मैंशन किया गया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो पूरे जो अर्थ हमारे सराउंडिंग है उसमें क्या है, डिपेंड है एक दूसरे पर। आर यू गेटिंग इट? डिपेंड, एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर ही डिपेंड है। अगर ट्रीज को हम कट कर देंगे तो ह्यूमन बीइंग को और जितने भी लिविंग थिंग उनको एयर नहीं मिल पाएगी और
they are not able to survive their life, right? This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं सराउंडिंग के ऊपर, और इनका रिलेशनशिप है जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, और यही एक इकोसिस्टम बनाता है. क्या बनाता है? ये इकोसिस्टम बनाता है. देर कुड बी एन इको ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड. और इसमें इकोसिस्टम में बहुत सारे हमारे रेन फॉरेस्ट भी होते हैं, ग्रास लैंड, डेजर्ट, रेगिस्तान भी हो सकता है, माउंटेन, सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं, राइट, चाहे वो छोटा सा पॉन्ड, एक तालाब क्यों ना हो. फाइन, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर. जो हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था वो समझ में आ गया होगा. फाइन, सो नाउ यू कैन सी ह्यूमन एनवायरमेंट. अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट के हमारे, ओके, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है? जैसे हमने बताया था कि कुछ इंसान ने भी चीज़ें बनाई, राइट, उसके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर. सो ये फर्स्ट लाइन है इसकी आपकी, इसको आप देखिएगा. ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. क्योंकि इंसान ने क्या किया है, इंसान है इकोसिस्टम का ही पार्ट, जुड़ा हुआ, इंटरेक्ट है, लेकिन उसने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया. अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग. जितने भी पहले के लोग थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो अपने आप को नेचर सराउंडिंग में ही डिपेंड करते थे. इट मीन्स उसके ऊपर ही अपने आप को अडॉप्ट करते थे, या पेड़ों पे ही यूज़ करना, पेड़ों का ही और उसके ही जो बार्क होती है, खाल जो होते थे, एक तरीके से आज यूज़ की जाती है, इस तरीके से उनको छाल को यूज़ किया करते थे, पत्तियाँ खाते थे, जो भी मिलता था उनको जंगलों में, वो उसी पर डिपेंड रहते, राइट. दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. बहुत सिंपल से लाइफ गुजारते थे और उसी, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी, वो उसी से ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे, राइट, जो भी उनके आसपास मिलता था. विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकेम मोर वेरिड. वेरिड मीन्स होता है चेंज होना. जैसे ही टाइम बढ़ता गया, टाइम गुजरता गया, बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हुए और हर चीज़ में बदलाव आ गया. ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट. अब इंसान ने सीखा किस तरीके से नए नए तरीके से यूज़ करने के तरीके सीखे, बदलाव किए एनवायरनमेंट के अंदर. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसल को उगाना शुरू किया. डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ, और उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और एक सेटल लाइफ सर्वाइव करना सीखा, राइट, रहना सीखा, सर्वाइव लाइफ. सो द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जब उन्होंने एक व्हील बना दिया, चक्र बना दिया. सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप. फिर जब एक सेटल लाइफ शुरू हो गई तो फिर व्हील का आविष्कार हो गया, और जो फूड होता था उसको प्रोड्यूस किया जाने लगा. बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, बिजनेस शुरू हो गया, सब चीज़ों में चेंजेस आना शुरू हो गए. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जब इंडस्ट्रियाँ लगना शुरू हो गई तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, जैसे गाड़ियाँ, आना जाना, माल ले भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. जब आईटी सेक्टर आ गया, जैसे हम हमारे मोबाइल है, कॉन्टेक्ट करते हैं हम या ईमेल करते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, तो इससे जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर मटेरियल आ सकता है, जा सकता है बहुत ईजी तरीके से, राइट. ये आपको यहाँ तक इसको रीड कर दिया मैंने, यू विल हैव टू रीड योर सेल्फ, ओके. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल. और ये जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसको सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को. फाइन, सो यू हैव टू रीड नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके, एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल. सो इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ. थैंक यू सो मच, ओके. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness classes and DIY.